केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि मणिपुर की जनता बीजेपी को समर्थन देती है तो आतंकवाद से मणिपुर को मुक्त कर देंगे। असम का उद्घाटन करते हुए मणिपुर की जनता से वोट मांगा है। मित्रों, हम मणिपुर को देश के सबसे बड़ा खेलों का, स्पोर्ट्स का हब बनाना चाहते हैं। यहाँ के युवाओं को ड्रग और हथियारों से मुक्त कर खेलों में, ओलंपिक खेलों में गोल्ड मेडल जीत कर आने वाले युवा बनाने का सपना हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देख रहे हैं। मित्रों, मैरी कॉम, मीराबाई चानू, बुम्बाइला देवी, लेसराम और सरिता देवी को पूरे, इनके ऊपर न केवल मणिपुर, पूरे देश को गर्व है। 325 एकड़, 325 एकड़ भूमि में फैला हुआ पहला राष्ट्रीय स्पोर्ट यूनिवर्सिटी मणिपुर में बनाने का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मित्रों, और उसके लिए 800 करोड़, 800 करोड़ से ज्यादा रुपया भारत सरकार ने इन्वेस्ट कर मणिपुर के युवाओं के लिए, स्पोर्ट्स में आगे आने के लिए, पूरे नॉर्थ ईस्ट के युवाओं के लिए एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। मित्रों, हमने तय किया है कि हर जिले में 16 के 16 जिलों में 16 खेलो इंडिया सेंटर बनाकर लोकल टैलेंट को प्लेटफॉर्म देने का काम करेंगे। प्रदेश में मणिपुर में एक ओलंपिक बार पार्क बनाकर 10 एकड़ भूमि इसके लिए हमने चिन्हित की है, जिसमें स्टेट लेवल के हमारे खिलाड़ियों को इंटरनेशनल लेवल के खिलाड़ियों पर अपग्रेड करने के लिए पूरी सुविधाएं उपलब्ध होगी। उस्ताद, आपत में पड़ी है जान। उस्ताद, उसके हाथ में तलवार है। तलवार का मुकाबला पाइप से। अरे वाह, आप तो हीरो हो। हीरो मैं नहीं, ग्लाइको पाइप है। अरे बॉस का कॉल। हेलो, आज का हेडलाइन क्या है? आज का हेडलाइन तो ग्लाइको पाइप है सर। ग्लाइको पाइप, हम चुकाते हैं एक एक बूंद की कीमत। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।